Hi guys, welcome and welcome back to my channel. And if you're new here, then make sure that you subscribe to the channel. It will help me to grow and will mean a lot to me. And for today's video, I'm going to be duping the iconic high-end brand, the MAC Cosmetics के products में आपको dupe बताने वाली हूँ. Wait. ना ही सिर्फ बताने वाली हूँ, मैं आपको proof के साथ iconic brand MAC के कुछ products के, सारे products नहीं, कुछ products के dupes दिखाने वाली हूँ, जिससे आप खरीद सको. क्योंकि I know MAC is an expensive brand, हर कोई उसको afford नहीं कर सकता है. और अगर आपको वही चीज सेम एक बेटर प्राइस में मिल रही है तो व्हाई नॉट. एक्चुअली हाफ ऑफ द प्राइस भी नहीं, उससे भी कम प्राइस में मिल रही है तो व्हाई नॉट. दीज प्रोडक्ट्स आर रियली अफोर्डेबल एंड दे आर बैंग ऑन ड्यूप फॉर MAC Cosmetics. लाइक ट्रस्ट मी, यू विल सी. लाइक मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाने वाली हूँ, तो मुझे इतना कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है. इफ आई टॉक अबाउट द ब्रांड MAC, मुझे पहले इतना ज्यादा पसंद नहीं था. जैसे मैंने उसका एक प्रोडक्ट यूज किया, दो प्रोडक्ट यूज किए, आई स्टार्टेड फॉलिंग इन लव विद द ब्रांड. द प्रोडक्ट्स, द क्वालिटी इज अमेजिंग. पहले मैंने एक प्रोडक्ट लिया, दो प्रोडक्ट लिए एंड आई फेल इन लव विद देम. तो मेरे पास काफी सारे प्रोडक्ट्स हैं MAC Cosmetics के. एंड ऑल्सो आई ऑलरेडी हैव अ वन ब्रांड ट्यूटोरियल. तो MAC के प्रोडक्ट्स को यूज करके मैं ऑलरेडी एक फुल फेस ऑफ मेकअप वन ब्रांड ट्यूटोरियल क्रिएट कर चुकी हूँ. उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, अगर आप चाहो तो चेक कर सकते हो. तो इस तरीके से मेरे पास MAC के काफी सारे प्रोडक्ट्स हो गए एंड आई फिगर आउट टू फाइंड सम ड्यूप्स ऑफ देम, तो जिससे आपको हेल्प कर सके एंड इन अफोर्डेबल रेट आप उस क्वालिटी के, उस टाइप के सिमिलर प्रोडक्ट्स खरीद सको. सो आई होप दैट दिस वीडियो ब्रिंग्स यू सम हेल्प. एंड यस, विदाउट फर्दर ब्लैबरिंग, क्योंकि इंट्रो ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है, लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड. The first product from MAC, I have this MAC strobing cream. Now this is in the shade pink light. This is how it looks like. It's a beautiful strobing cream. सबसे पहले ग्लो के लिए अप्लाई कर सकते हो एंड इट विल प्रोवाइड यू दैट इल्यूमिनेटिंग बेस. एक बहुत ही अच्छा ग्लोइंग हेल्दी बेस लगता है आपका. ऐसा लगता है स्किन काफी जूसी और अंदर से ग्लो कर रही है, जैसे अभी आपको मेरी स्किन लग रही होगी. एंड इट्स अमेजिंग, एवरीबडी लव्स ग्लो. तो ये बहुत ही अच्छा ग्लोइंग बेस देती है आपको. तो आप इसको फाउंडेशन से पहले भी लगा सकते हो एंड ऑल्सो आप इसको फाउंडेशन में मिक्स करके भी लगा सकते हो. तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट from MAC Cosmetics. And the dupe I have for this is this, the Swiss Beauty Real Makeup Base. तो आपने मेरे चैनल पे इसको काफी बार देखा होगा. If you have been following this channel, you already know how much I love this product. And this is just beautiful. It looks amazing on skin. बहुत अच्छे से अप्लाई हो जाती है, मेल्ट हो जाती है. Now the only difference between both of them is ये थोड़ा सा गोल्डन टोन में है मेरे पास, ये थोड़ा सा पिंक टोन में है. बट इसमें भी गोल्डन टोन आते हैं, सिल्वर लाइट आता है, पिंक लाइट आता है. दिस इज इन द शेड पिंक लाइट एंड ये मेरे पास गोल्डन टोन में है. तो दिस इज पिंक टोन, दिस इज गोल्डन टोन, बट इसमें भी पिंक लाइट आता है. तो अगर आपको पिंक लाइट खरीदना है तो आप वो खरीद सकते हो. बट मेरे पास ऑलरेडी पिंक में कुछ था, सो आई वॉन्टेड समथिंग इन गोल्डन. दैट इज वाई मैंने इसको इस फॉर्म में खरीदा था. सो दिस इज हाउ बोथ ऑफ देम लुक लाइक. दिस इज फ्रॉम स्विस ब्यूटी and this is from MAC Cosmetics. So you can see के थोड़ा सा पिंकिया टोन में है, while this is in the golden tone. आपको उसको फेस पे लगाकर दिखाऊंगी. So for my left side, I'm going to use the MAC strobing cream. तो मैं इसको लेके अप्लाई करूंगी ऑल ओवर माई फेस. मैं इसको फाउंडेशन के नीचे लगाने वाली हूँ. आप इसको फाउंडेशन में मिक्स करके भी अप्लाई कर सकते हो. इट लुक्स ब्यूटिफुल, वेरी नेचुरल, वेरी ब्यूटिफुल. तो आप देखो कितना हेल्दी ग्लो प्रोवाइड करती है. इट्स नॉट दैट चंकी और ब्लिंगी, बहुत अच्छे से अप्लाई हो जाती है, ब्लेंड हो जाती है. इट्स जस्ट अ टिंटेड ब्यूटिफुल मॉइस्चराइजर. एंड मैं अपने राइट साइड यूज करूंगी स्विस ब्यूटी का रियल मेकअप बेस. आई नो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम, क्योंकि ये थोड़ा सा पिंकिश लगेगा, ये थोड़ा सा गोल्डन लगेगा. बट आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द लुक इट गिव्स यू. इट बोथ ऑफ देम गिव्स यू वेरी सिमिलर लुक एंड बहुत ज्यादा सेम लगते हैं. इट गिव्स यू द सेम हेल्दी एंड ग्लोइंग लुक. Look at my right side. It's the Swiss Beauty Real Makeup Base, and you really cannot make the difference कि कौन सा वाला कौन सा है, क्योंकि दोनों ही बहुत ज्यादा similar है, बहुत ज्यादा खूबसूरत है. I love both of them. दोनों को ही मैं बहुत frequently use करना पसंद करती हूँ. And if we talk about the price range, this is for 3200 rupees. 3200 में 50 ml of product, and this is only for 349 rupees for 30 ml of product. तो prices का तो कोई comparison ही नहीं है. 3200 and 349. So I cannot even compare. I shouldn't also compare, but it is a perfect dupe. The next product I'll be duping is this MAC Studio Fix NC30, and actually this is not a right shade for me. जैसा कि आप देख सकते हो ये काफी ज्यादा येलोइश है और थोड़ा सा डार्क है मेरी स्किन के लिए, बिकॉज आई टुक इट द फर्स्ट टाइम. लाइक एक्चुअली देखिए थोड़ा सा येलोइश है इसलिए डार्क लगता है, बाकी NC30 इज नॉट लाइक दैट. क्योंकि मैंने फाउंडेशन फर्स्ट टाइम लिया था एंड इट्स लिटरली डिफिकल्ट टू फिगर आउट योर शेड ऑनलाइन, तो मैंने इसको ऑनलाइन परचेज किया था. बट इट्स अ ब्यूटिफुल फाउंडेशन, हैज ब्यूटिफुल कवरेज. इसकी कवरेज अच्छी है, ऑलमोस्ट एवरी मेकअप आर्टिस्ट यूज दिस, क्योंकि इसका फिनिश
बहुत ज्यादा अच्छा है और ये ऑयली स्किन, ड्राई स्किन मेरे हिसाब से ऑल स्किन टाइप के लिए अच्छा है. इट सिट्स ऑन माई स्किन परफेक्टली, मेरी स्किन को बिल्कुल भी ड्राई आउट नहीं करता है. एंड द कवरेज इज अमेजिंग, इट्स नॉट मैट और इट्स नॉट ड्यू, इट्स समवेयर इन बिटवीन डेमी मैट काइंड ऑफ फिनिश, जो सबको पसंद होती है क्योंकि वो सबकी स्किन के लिए चली जाती है. नाउ द ड्यूप आई हैव फॉर दिस इज द पैक कॉस्मेटिक्स फाउंडेशन. नाउ दिस इज अ ब्यूटिफुल, अगेन दिस इज HD फाउंडेशन एंड इट्स अ ब्यूटिफुल फाउंडेशन. दे बोथ आर सेम, एक्चुअली द फिनिश इज सेम क्योंकि दोनों की फिनिश ही डेमी मैट काइंड ऑफ है. इसकी भी ग्लोई नहीं है और ड्यू ही नहीं है. इट्स लाइक नॉट मैट नॉट ग्लोई ड्यू, इट समवेयर इन बिटवीन. इट ऑल्सो हैज दैट डेमी मैट काइंड ऑफ फिनिश. लाइक क्योंकि अगर मैं कोई गलत ड्यू बताती हूँ तो वहां मैं आपका भरोसा तोड़ रही हूँ, जो मैं नहीं करना चाहती हूँ. आई एम जस्ट बींग ऑनेस्ट विथ यू. इसमें थोड़ी सी कवरेज ज्यादा है. अगेन यू सी द प्राइस पॉइंट, दिस इज फॉर अराउंड 700 and 800, दिस इज फॉर 2900. तो थोड़ा बहुत डिफरेंस होना बनता है जो कि जायज भी है. पर द फिनिश इज सेम, द कवरेज इज ऑलमोस्ट सेम एंड द फील एंड एवरीथिंग. लाइक फिनिश मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि वो हर स्किन टाइप को चला जाए. तो दोनों की ही कवरेज अच्छी है, दोनों ही अच्छे हैं. पर ये मेरी स्किन टोन के लिए काफी लाइट है जैसे आप देख सकते हो, एंड ये मेरी स्किन टोन के लिए काफी ज्यादा डार्क है. पर स्टिल आई अप्लाई इट एंड शो इट टू यू फाउंडेशन. तो मैं इसको थोड़ा सा लगाकर आपको अप्लाई करके ब्लेंड करके दिखाऊंगी कि इसकी फिनिश दोनों की सेम है या नहीं. दैट इज वॉट आई एम क्लेमिंग, कि दोनों की फिनिश सेम है. सो आप देख सकते हो कि ब्लेंड करने के बाद मेरी स्किन से थोड़ा सा डार्क है. एंड राइट साइड आई बी यूजिंग द पैक का फाउंडेशन. अगेन इट्स ब्यूटिफुल, पर मेरी स्किन टोन से थोड़ा सा लाइट है तो आप देख सकते हो. तो मैं उसको डॉट डॉट करके अप्लाई करूंगी एंड आई जस्ट ब्लेंड इट क्विकली. सो यू कैन क्लियरली सी दैट दिस इज लाइटर टू माई स्किन टोन एंड दैट इज डार्कर टू माई स्किन टोन. पर जस्ट लुक एट द फिनिश. आप स्किन टोन भूल जाओ कितना लाइट है कितना डार्क है. पर आप फिनिश देखो कि ऐसा नहीं लग रहा होगा कि आपको फिनिश में कोई भी डिफरेंस है, क्योंकि उन दोनों की फिनिश बहुत ज्यादा सेम है. इन दोनों की कंसिस्टेंसी भी सेम है, दोनों इक्वली थिक है. तो ये चीज भी दोनों की सिमिलर है. बाकी बोथ द फाउंडेशन आर अमेजिंग. द पैक का फाउंडेशन इज ग्रेट, यू मस्ट डेफिनेटली इन्वेस्ट अगर आप मैक में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो तो. आई लव बोथ ऑफ देम. नेक्स्ट प्रोडक्ट जिसका मैं ड्यूप बताने वाली हूँ इज मोस्ट अमेजिंग प्रोडक्ट. अगर मुझे बेस मेकअप के लिए कोई एक प्रोडक्ट चाहिए सो दिस इज द प्रोडक्ट आई विल बी गोइंग फॉर. अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते हो यू डेफिनेटली नो व्हाट प्रोडक्ट आई एम टॉकिंग अबाउट. एंड इसका ड्यूप ऑलरेडी मैं अपने चैनल पर कई बार बता चुकी हूँ, पर टुडे आई एम गोना टेल इट अगेन टू यू. सो दिस इज द मैक स्टूडियो फिक्स. दिस इज द ओनली बेस प्रोडक्ट जो मैं यूज करती हूँ. मुझे कहीं जाना होता है, कुछ भी होता है, कोई भी छोटा मोटा फंक्शन वगैरह होता है, आई वॉन्ट शेयर टू मीडियम कवरेज ऑन माई स्किन. तो दिस इज द प्रोडक्ट आई गो फॉर ओनली दिस. नो कंसीलर, नो फाउंडेशन, nothing. This is the only product I apply. And इसका proof ये है कि just look at the amount of product I have used. मैंने अभी तक किसी भी product पे pan hit नहीं किया. And just look at that pan. It's the proof कि मैं इसको कितना ज़्यादा use कर चुकी हूँ. I love this product. It has beautiful coverage. But the dupe I have for you will blow your mind because मैं इसको काफी बार बता चुकी हूँ. And I love this product. This is the Lakme 925 compact. This is how it looks like. This is in the shade golden beige. And also the shades are similar. This is in the shade natural cream, not beige. And this is in the shade NC30. It also has beautiful coverage. If you go to office, college, work, everything, जहाँ पर भी आप जाते हो, आप सिर्फ ये लगा लो. And also it is not only a compact. It says that this is primer plus matte powder foundation. ये भी एक powder foundation है, इसलिए इसमें coverage है और इसमें भी coverage है. They are not just compact. ये आपको coverage भी देते हैं. तो अगर आपको थोड़ी बहुत pigmentation वगैरह बिल्कुल lightly coverage चाहिए, आपको कुछ 300-400 रुपीज में मिल जाएगा. एंड इट इज गोइंग टू बी अ ब्यूटिफुल एवरीडे कॉम्पैक्ट. सो दिस इज हाउ द स्वैचेस ऑफ बोथ ऑफ देम लुक लाइक. यू कैन सी दे आर जस्ट सिमिलर, कवरेज बिल्कुल सिमिलर है. सेज मैट बट इट्स नॉट दैट मैट. दोनों ही बिल्कुल इतने मैट नहीं है. अगेन दे आर डेमी मैट काइंड ऑफ एंड बोथ द प्रोडक्ट्स आर अमेजिंग. आई रियली लव बोथ ऑफ देम. अगर आपका इतना बजट नहीं है तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस वन. Alrighty my people, so the fourth product जिसका dupe मैं आपको बताने वाली हूँ वो है MAC Soft and Gentle. Now you know how amazing this highlighter is. This is a pink toned, very softly melted highlighter. It looks beautiful. बहुत ज्यादा softly मिलता है. मैंने अपने चैनल पे ही इसकी कितनी ज्यादा तारीफ की है. This is soft and gentle mineralized skin finish highlighter and it's just a beautiful highlighter. We all know about it. It's again a bit of pink toned, slightly pink toned. तो ये बहुत ही ज्यादा सुंदर है और सब बहुत सारी स्किन टोन्स पर चला
चला जाता है. दिस इज हाउ द स्वेच ऑफ इट लुक्स लाइक. इट लुक्स ब्यूटिफुल, बहुत ही ज्यादा फाइन है, लाइक टोटली लव इट. पर इसका ड्यूप ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल है क्योंकि इट्स नॉट कम्प्लीटली शैम्पेन और इट्स नॉट कम्प्लीटली गोल्डन. इट्स लाइक पिंकी शैम्पेन काइंड ऑफ थिंग. लुक्स वेरी ब्यूटिफुल एंड फेयर स्किन पे और बहुत ज्यादा अच्छा लगता है. बट द ड्यूप आई हैव फॉर यू इज फ्रॉम द हाउस ऑफ वेट एंड वाइल्ड. दिस इज इन द शेड प्रेशियस पेटल्स. वेट एंड वाइल्ड मेगा ग्लो हाइड्रेटर इन द शेड प्रेशियस पेटल्स. एंड इसको देखने के बाद ना मुझे लगा था कि आई हैव समथिंग लाइक दिस विच लुक्स सिमिलर टू दिस, पर ये 3200 का है एंड दिस इज फॉर 499 रुपीज ओनली. तो ओनली इसमें ओनली लगाना बनता है, ओनली. सो आई यूज दिस फिंगर. नाउ आई एम गोना यूज दिस फॉर द माई फर्स्ट फिंगर एंड आई न्यू आई हैव समथिंग लाइक दिस विच इज लाइक पिंकी शैम्पेनी टोन. एंड लुक एट दैट, यू लिटरली कैन नॉट मेक एनी डिफरेंस. इट लुक्स ब्यूटिफुल, बोथ ऑफ देम लुक प्रीटी सिमिलर एंड प्रीटी अमेजिंग ऑन स्किन. दोनों ही बहुत ज्यादा फाइन है, दोनों ही बहुत ज्यादा ब्यूटिफुल है. सो फॉर द लेफ्ट साइड ऑफ माई फेस आई एम गोना अप्लाई दिस. ओह इट लुक्स अमेजिंग, बहुत ज्यादा फाइन है, बहुत ज्यादा अच्छा है. एंड फॉर राइट साइड ऑफ माई फेस आई विल बी यूजिंग द वेट एंड वाइल्ड का हाईलाइटर एंड इसके लिए मैं दूसरा फैन ब्रश यूज करूंगी सो दैट वी हैव मोर प्रसाइज लुक आउट टू इट. तो इस साइड राइट साइड में दूसरा ब्रश यूज करूंगी एंड ओ इट लुक्स द सिमिलर. इतने ज्यादा खूबसूरत लगते हैं दोनों. You already saw how beautiful both of them look. So now you can make out ke ab aapko like I know you'll just go and grab this one because the price you are paying for this and this is oh my god, just go and buy this one. नेक्स्ट अप मैं आपको एक ड्यूप बताऊंगी एंड आई ऑल्सो बी बस्टिंग अ ड्यूप जिसका मुझे ड्यूप लगता था. मैंने किसी की वीडियो में देखा था और मैं उसको एक साल से इतनी बुद्धू थी कि मैं ड्यूप समझ रही थी पर वो ड्यूप नहीं था. तो सबसे पहले तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैं कौन से लिप लाइनर की बात कर रही हूँ. दिस इज द लिप प्रोडक्ट, यस. सो आई एम टॉकिंग अबाउट द मैक लिप लाइनर इन द शेड सोर. आप वीडियोज देखते हो तो आप समझ गए होगे कि मैं क्या बात करने वाली हूँ. तो आई लव श्रेया जैन, आई लव हर वीडियोज, आई लव हर कॉन्टेंट. श्रेया जैन की वीडियो में मैक कॉस्मेटिक्स सोर आई यूज टू लव टू लिप लाइनर्स जो मुझे बहुत टाइम से चाहिए थे, लाइक करीबन एक साल से. वन वॉज सोर एंड वन वॉज स्पाइस. सो ये दोनों बहुत ज्यादा फेमस लिप लाइनर है. सोर इज अ पिंकियर कलर एंड स्पाइस इज अ ब्राउनी कलर. आपको अच्छे से पता होगा इफ यू वॉच दीज काइंड ऑफ वीडियोज. तो ये जो लिप लाइनर था इसका श्रेया जैन ने अपनी वीडियो में ड्यूप बताया था पैक का लिप लाइनर इन द शेड मॉव. तो उस टाइम पे I couldn't afford MAC Cosmetics. तो मैंने पैक का लिप लाइनर खरीद लिया था इन द शेड मॉव विच आई एम गोना शो यू. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. तो आई एम गोना शो यू दिस इज द पैक का लिप लाइनर इन द शेड मॉव. मैं आपको उसका स्वैच करके दिखाती हूँ. दिस इज हाउ पैक का लिप लाइनर लुक लाइक इन द शेड मॉव. एंड एक साल से मैं इसको सोर का ड्यूप समझकर यूज कर रही थी कि दिस इज द बेस्ट पिंकियर कलर, आई डोंट नीड सोर एनी मोर क्योंकि ये सोर का ड्यूप है. तो आई डोंट नीड सोर, आई एम जस्ट बस्टिंग आउट दिस ड्यूप. आई एम नॉट टेलिंग यू योर ड्यूप फॉर द सोर लिप लाइनर. आई डोंट हैव द ड्यूप फॉर इट बिकॉज ऑन इट्स ओन इट्स जस्ट अ यूनिक कलर. बट इफ आई शो यू द सोर टूडे यू विल बी शॉक्ड क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि द ड्यूप विल बी करेक्ट क्योंकि श्रेया जैन ने बताया है. आई एम नॉट सेइंग दैट शी डज नॉट मेक रियल कॉन्टेंट और एनीथिंग, पर आई वॉज शॉक्ड with this tube. तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ. This is Sore from MAC Cosmetics. When I swatch it side by side, this is how it looks like. So you can see for yourself that there is a complete difference of colors. This is not a dupe for this one. Not only slightest difference. अभी आपको lighting की वजह से slightest difference लग रहा होगा. Just look at this. Do you see how different they are from each other? This is more of a pinkier color and this is more of a mauvey color. They cannot be dupe of each other. अगर मैं आपको इनको lips पे लगा के भी दिखाऊंगी ना तो they won't look similar. This is much darker than this one. This is more of a pinkier color and this is more of a mauvey color. अगर आपको इसको lips पे लगाओगे ना this is much darker. Like MAC का lip liner is much darker than this one. Sore is very famous lip liner from MAC. इतना famous हुआ था कि I think lipstick थी उसका उन्होंने lip liner बना दिया था. So if you watch something like this, क्योंकि if Shreya Jain can tell you, anybody can tell you कि ये इसका ड्यूप है, सो डोंट बिलीव इट क्योंकि एक सिंपल पिंकी लिप लाइनर है, न्यू पिंकी लिप लाइनर जो आपको किसी भी ब्रांड में मिल जाएगा. बट सोर इज नॉट द ड्यूप ऑफ दिस वन, दैट इज व्हाट आई वाज टेलिंग यू. पर हाँ, एक आइकॉनिक लिप लाइनर और है विच इज स्पाइस जिसका ड्यूप मैं आपको बताने वाली हूँ एंड दिस इज गोइंग टू बी अ बैंग ऑन ड्यूप. आप शौक हो जाओगे, इतना ज्यादा सिमिलर है ये ड्यूप. आई डिडंट न्यू कि स्पाइस का ड्यूप मेरे पास मिल जाएगा. पहले मुझे ऐसा लगता था कि जो नायका का चॉकलेट बॉय लिप लाइनर है जिसको मैं बहुत ज्यादा यूज करती हूँ स्पाइस का ड्यूप है वो, पर नहीं, दैट्स नॉट द ड्यूप फॉर स्पाइस. दिस इज द शेड मैक स्पाइस. तो ये एक बहुत ही सुंदर सा ब्राउनी न्यूड कलर है. आई हैव सीन वेरियस मेकअप आर्टिस्ट सेलिब्रिटीज यूजिंग दिस.
and loving this. This is how the shade looks like. It's a beautiful nude brown shade. And the dupe I have for this is again from Pack Cosmetics. Pack Cosmetics Color Lock Long Lasting Lip Liner in the shade So Spicy. Now this is the perfect exact bang on dupe hai ye spice ka. I know is video ke baad you'll rush to buy this lip liner because this is exactly the dupe of this. Main bhi aap isko swatch karke dikhati hu and then I'll show you on my lips. Not make out the difference is puri line mein. And also I'm giving you a lip swatch. So for my left side I'll be using the MAC Cosmetics lip liner in the shade Spice. And main usi ko use karke apne lips ko fill bhi kar lungi. एंड राइट साइड में मैं यूज करने वाली हूँ पैक का लिप लाइनर इन द शेड सो स्पाइसी, तो उसके भी मैं यूज करके अपने लिप्स को फिल कर लूंगी. एंड वंस आई एम डन यू कैन सी दैट दे लुक एग्जैक्टली सिमिलर. ड्यूप आज तक आपने सुना नहीं होगा, देखा नहीं होगा एंड आपको बिल्कुल भरोसा भी नहीं होगा कि इसका ड्यूप हो सकता है. बट दिस इज द ड्यूप, दिस इज ट्राइड एंड टेस्टेड बाय मी. ये प्रोडक्ट्स मेरे पास अभी से नहीं, मेरे पास काफी टाइम से हैं एंड आई हैव बीन ट्राइंग देम, टेस्टिंग देम एंड आई हैव बीन सर्चिंग फॉर ड्यूप्स एंड व्हेन आई एम श्योर तब मैं आपको इसके ड्यूप बता रही हूँ. सो फॉर दिस आई हैव द मैक फिक्स प्लस. आई नो थैंक यू सो मच. अभी से मुझे थैंक यू मत बोलो, मैं इसका ड्यूप बताने वाली हूँ आपको एंड यू विल बी शॉक्ड. द ड्यूप इज सो अफोर्डेबल, दिस इज फॉर 1800 रुपीज. पहले मैं आपको इसकी अगर खासियत बताऊं तो दिस इज यूज एज प्राइमर क्योंकि ये बहुत अच्छा हाइड्रेटिंग स्प्रे है. ये आपके बेस को बहुत ज्यादा हाइड्रेटिंग बना देता है, आपकी स्किन को अच्छे से प्रेप करता है एंड देन मेकअप के बाद आप इसको फिक्सअप करने के लिए यूज करते हो क्योंकि दिस मेल्ट डाउन योर मेकअप. ये आपके मेकअप को अच्छे से मेल्ट कर देता है, अच्छे से मिक्स कर देता है और मेकअप विल लुक लाइक योर स्किन. दिस इज माई बेस्ट कॉम्बो एवर, स्टूडियो फिक्स एंड फिक्स प्लस. आई यूज दिस ऑल द टाइम. इसको आप यूज कर रहे हो ना तो दिस विल मेल्ट डाउन योर मेकअप इन टू योर स्किन क्योंकि मेकअप को हाइड्रेटिंग बना देता है एंड जब कोई चीज हाइड्रेटिंग होती है, बहुत सूदिंग होती है, बहुत ग्लोई ड्यूई सी लगती है तो इसकी वजह से मेकअप बहुत ग्लोइंग ड्यूइंग लाइक इट लुक्स लाइक योर स्किन. आई हैव यूज दिस ऑन माई लेफ्ट साइड एंड प्लीज मुझे सच सच बताओ, कैन यू गाइज मेक आउट एनी डिफरेंस बिटवीन माई लेफ्ट साइड एंड माई राइट साइड, क्योंकि मैंने लेफ्ट साइड इसको यूज किया है एंड राइट साइड. आर यू रेडी फॉर इट? आर यू रेडी फॉर इट? राइट साइड मैंने यूज किया है फ्लावर ब्यूटी का सील द डील हाइड्रेटिंग स्प्रे. दिस इज फॉर 600 रुपीज, दिस इज फॉर 1800 एंड दिस सेज दैट दिस इज द सील द डील हाइड्रेटिंग सेटिंग स्प्रे. तो ये हाइड्रेटिंग सेटिंग स्प्रे है एंड मैंने आपको उसके बारे में क्या बताया था कि हाइड्रेटिंग है, बहुत ज्यादा अपने आपके बेस को ग्लोई ड्यूई बना देता है. तो मैंने लेफ्ट साइड इसको यूज किया एंड यू कैन नॉट मेक आउट एनी डिफरेंस बिटवीन माय लेफ्ट साइड एंड माय राइट साइड. सो लेट्स क्विकली जंप ऑन टू एप्लीकेशन बिकॉज दैट्स द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट. एंड राइट साइड के लिए मैं यूज करूंगी फ्लावर ब्यूटी का सील द डील हाइड्रेटिंग स्प्रे. यू कैन सी द ग्लोइनेस एंड ड्यूइनेस गोइंग ऑन. तो मैं लेफ्ट साइड मैक फिक्स प्लस यूज करूंगी एंड दिस इज सो फाइन. इसका स्प्रे बहुत फाइन है, बहुत इवनली प्रोडक्ट को स्प्रेड कर देता है पूरे फेस पे है एंड दोनों को लगाने के बाद यू लिटरली कैन नॉट मेक आउट एनी डिफरेंस. एंड द प्राइस इज जस्ट अमेजिंग, लाइक सारे ड्यूब्स के प्राइस मैंने ऐसे रखे हैं ना दैट विल ब्लो योर माइंड आई एम श्योर. फॉर द लास्ट प्रोडक्ट आई हैव अ लिपस्टिक. नाउ द ये लिपस्टिक एक आइकॉनिक लिपस्टिक है, इट्स अ रेड लिपस्टिक एंड यू हैव ऑलरेडी गेस्ड कि कौन सी लिपस्टिक है. येस इट इज मैक कॉस्मेटिक्स रूबी वू. इट्स अ ब्लू टोन्ड रेड कलर एंड इट्स अ ब्यूटिफुल रेड कलर, लाइक द परफेक्ट रेड कलर यू नीड अगर आपको एक रेड लिपस्टिक चाहिए क्योंकि हर किसी के पास एक रेड लिपस्टिक तो होनी चाहिए. सो दिस इज द रेड लिपस्टिक यू नीड, आपको सिर्फ ये चाहिए. इट्स जस्ट ब्यूटिफुल, लाइक द परफेक्ट रेड यू नीड. This is how it looks like. This is retro matte collection. This is how the ruby woo look like. And the dupe I have for you is from Swiss Beauty, only for 299 rupees. This is how the dupe of it looks like. This is the Swiss Beauty non-transfer lipstick. This is in the shade blood red. This is how it looks like. Again, looks very similar, बहुत ज्यादा similar लगती है and when I swatch it, इसको मुझे अपने lips पर लगाने की जरूरत नहीं है, दिखाने की जरूरत नहीं है. They look exactly similar, like amazing. And इसकी सबसे अच्छी बात मैं आपको swatch करने के बाद बताती हूँ. This is how it looks like and it looks exactly similar. Now, if I tell you the difference between the two, that will be quite shocking क्योंकि ये 1800 rupees की आती है. It is matte, तो लगाते time भी matte रहती है and जब आप इसको apply कर लेते हो तब ये matte होती है. पर इसका स्टे उतना अच्छा नहीं है जितना इसका अच्छा स्टे है. इट स्टेज फॉर लॉन्गर आवर्स एंड ऑल्सो पानी से वॉश करने के बाद भी ये नहीं निकलती है, वेर एल्स ये निकल जाती है. एड अ क्लिप राइट हियर जो मैंने पहले ली थी. मैंने इन दोनों को लगा के एक क्लिप रिकॉर्ड की थी जब व्हेन आई वाज जस्ट सर्चिंग फॉर ड्यूप्स इन माई वैनिटी. तब मैंने इनको लगा के चेक किया था एंड जब मैंने अपने
हाथ धोए तो रूबी वो जस्ट वेंट ऑफ एंड ये बिल्कुल भी खराब नहीं होती है। तो जब आप इसको अप्लाई करते हो द स्विस ब्यूटी वन तो ये बहुत क्रीमी होती है, बहुत सॉफ्टली अप्लाई हो जाती है एंड आफ्टर सम टाइम इट सेटल्स टू अ मैट फिनिश एंड देन इट इज ट्रांसफर प्रूफ, वाटर प्रूफ, बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग है, बहुत ज्यादा अच्छी है एंड वेयर एल्स इट इज फॉर ओनली 299 rupees एंड इट इज फॉर 1800 इट स्टिल इट इज नॉट ट्रांसफर प्रूफ, इट्स नॉट वाटर प्रूफ एंड इट डज नॉट स्टे फॉर लॉन्ग आवर्स वेयर एज दिस स्टेज फॉर सो लॉन्ग, दैट इज वाई आई हाईली रिकमेंड दिस वन ओवर दिस वन। Alright guys, with that we come to an end of this video. I hope कि आपको वीडियो ने थोड़ी हेल्प की हो। I know you are gonna be rushing soon to buy some of these products जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है। I hope कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो एंड प्लीज डू लेट मी नो डाउन बिलो कि आप और किसके ड्यूप देखना चाहते हो, किस टाइप का कॉन्टेंट देखना चाहते हो। I'll be happiest to know that. I hope कि आपको ड्यूप वीडियो कुछ इंटरेस्टिंग लगी हो, मजा आया हो देखने में। That is pretty much it. I'll see you next time in my next one. Till then, stay safe, stay happy. Bye bye.